वेलकम टू माय चैनल। आप पीछे देख सकते हैं काल का शिमला जाने वाली टॉय ट्रेन है, बहुत ही मजा आने वाले हैं। आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ शिमला बाय टॉय ट्रेन। शिमला जिसे अपन प्यार से क्वीन ऑफ हिल्स भी कहते हैं, वहाँ जाने के लिए मैं सबसे पहले हम टॉय ट्रेन से जाने वाले हैं। टॉय ट्रेन जो होती है कालका से मिलती है और कालका से चंडीगढ़ से करीबन 40 मिनट दूर है। कालका मैं पहुँच चुका हूँ, यहीं सामने ट्रेन है, इसी से हम चले गए। पहली टॉय ट्रेन कालका से शिमला तक, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है, मज़ा आने वाला है। शिमला के रेलवे स्टेशन जाने के लिए कालका से ट्रेन होती है जो कि चंडीगढ़ से 40 मिनट दूर है। वहाँ पे आप बाय ट्रेन या बाय बस से पहुँच सकते हो, 40 से 50 मिनट लगता है। कालका आने के बाद यहाँ पे टॉय ट्रेन होती है जो डायरेक्ट यहाँ से 6 घंटे लेती है शिमला पहुँचने में। अभी बज रहे सुबह के 5:15 और टेम्परेचर हो रहा है 10 डिग्री के आसपास, बहुत ही ज़्यादा सर्दी है। और कुछ ही टाइम में 6:20 की ट्रेन है, कुछ ही देर में निकलने वाले हैं। ये है एसी चेयर कार कोच जिसका फेयर अबाउट 120 रुपीज़ है, और हम आए जनरल कोच से जिसका फेयर 60 रुपीज़ था। इस कोच में ऊपर विंडो लगी हुई है तो और ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस कोच में अगर आप ट्रैवल करते हो तो। और ये है जनरल कोच जिसमें ऊपर कोई विंडो नहीं है। अगर आपको मजा आ रहा है तो प्लीज सपोर्ट करिए बाय सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। अगले व्लॉग में शिमला कवर करने वाला हूँ तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये ट्रेन कालका से शिमला अबाउट 94 किलोमीटर कवर करती है 5 घंटे के अंदर, क्योंकि नैरो गॉज में बनी हुई है तो, और हिली एरिया भी, तो बहुत ही धीरे, मतलब 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चलती है ये जो ट्रेन है। 1903 में स्टार्ट हो गई थी और जो ब्रिटिश कर्नल्स थे उन्होंने ये ट्रेन का जो पूरा रूट था वो डिज़ाइन किया था, मतलब वो पूरा कंस्ट्रक्शन भी उन्होंने किया था। इस पूरे रूट में अबाउट 103 टनल्स हैं, 912 कर्व और 969 ब्रिज है पूरे इस रूट में, और बीच में करीब 10 स्टेशन आते हैं और हर स्टेशन में 1 से 2 मिनट का हॉल्ट रहता है। बस एक स्टेशन है बैरो जहाँ पे 8 मिनट का हॉल्ट रहता है, तो आप उतरे तो ध्यान से क्योंकि एकदम से ट्रेन चल देती है, मेरी भी छूटने वाली थी। ये इस पूरे रूट में सबसे बड़ी टनल है, 1 किलोमीटर से ज़्यादा ही है। ये एक ब्रिटिश कर्नल थे बैरो, उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया था, तो इसका एक्सकवेशन दोनों साइड से किया था उन्होंने, लेकिन ये दोनों पॉइंट्स जो थे वो मिल नहीं पाए थे तो इन पे बहुत ज़्यादा ही फाइन लग गया था, उसकी वजह से उन्होंने यहाँ पे आके सुसाइड कर लिया था। उसके बाद किसी और ने इसका कंस्ट्रक्शन पूरा किया था, तब से इस जगह का नाम भी बैरो रख गया, स्टेशन का नाम बैरो स्टेशन है और इस टनल का नाम बैरो टनल रखा गया है। ये कुछ कहानी थी यहाँ की, चलो अब चलते आगे। अभी आप देख ही सकते हैं इस रूट में कितनी अच्छी अच्छी जगह आ रही है, मतलब पूरे माउंटेन्स हिली एरियाज बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। स्नोफॉल के टाइम पे ये और भी खूबसूरत लगता है रूट। यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बिना मत जाना। अभी ट्रेन रुकी शौगी रेलवे स्टेशन और हर स्टेशन में 1 से 2 मिनट का हॉल्ट है, एकदम से ट्रेन चल देती है, तो मेरी यहाँ पे ही ट्रेन छूटने वाली थी तो गलती से मैं दूसरे कोच में चढ़ गया। और यह है एसी चेयर कार
इसमें एसी लगे दोनों साइड, लेकिन अभी एसी की जरूरत है नहीं तो वो बंद है। अब हम पहुंच गए फाइनल शिमला तक, क्वीन ऑफ हिल्स, 5 घंटे 15 मिनट बाद ये है शिमला का रेलवे स्टेशन। बस ये था हमारा टॉय ट्रेन का सफर। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में शिमला की ब्यूटी के साथ। अगले व्लॉग में हम शिमला का कवर करने वाले हैं, तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।